अहमद अवैस साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा तौर पर इसके ऊपर इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स करवानी चाहिए, खुद ना बैठे वो, लेकिन इसके शवाहद सामने लाने चाहिए। व्हाट्स योर टेक सर? मुनीफ साहब, मेरी तो सबसे दरखास्त है कि ये अब पिछले कुछ 10 साल से जो मेला इल्जामा पाकिस्तान में शुरू हो गया है, एक दुष्नाम का मेला है, वो बंद होना चाहिए। हम शुरू हुए हुए हैं, आपको आपको याद होगा, 35 पंक्चर से, फिर उर्दू बाजार के बैलेट पेपर से, फिर इस दफा हमने जो है वो नकली और जाली फॉर्म 45 भी देखे हैं, उससे पहले हमने साइफर भी देखा है, अभी यूरोपियन यूनियन का लेटर जो है वो फेक निकला है, और ये सारी चीजें एक ही जगह से आ रही हैं। तो आज के भी जो इल्जामात हैं जो उन साहब ने अपनी रिटायरमेंट से ठीक 18 दिन पहले जो हैं वो लगा दिए हैं, और ये बात तो कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि एक ऐसा शख्स जिसका जो चेन ऑफ कमांड है इंतखाबात करवाने में, उसका कोई रोल नहीं था उसके अंदर, तो लिहाजा उन्होंने एक बात की है। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि अगर हर इल्जाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए और उसकी तहकीकात शुरू कर दे, तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तो और कोई काम नहीं कर सकता सवाई ये। तो लिहाजा इन साहब के ऊपर जब तक ये आज खुद आकर अदालत में सबूत जमा ना करवाएं, चाहे किसी भी सूरत में हो, तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि हम जो है वो फिशिंग शुरू कर देते हैं, यानी मछली दरिया में डालते हैं जाल के, शायद कोई मछली फंस जाए सबूत की। भाई जिसने इल्जाम लगाया है, इतना संजीदा इल्जाम लगाया है, उनको चाहिए कि वो इसके सबूत लेकर अदालत में खुद आए, बजाय ये कि अदालत उन्हें बुलाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह का एक वाकया 2013 में जनाब अफजल खान साहब भी ऐसे इल्जाम लगा चुके, उन्होंने उस वक्त के बहुत ही ऑनरेबल मरहूम फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पर गलत इल्जाम लगाए। और अगर मैं आपके नाजरीन को याद करा सकूं, जब अफजल खान को अदालत में बुलाया गया तो वो कटहरे में खड़े बेहोश हो गए, और उसके बाद उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से माफी मांगी, और उसके बाद वो सारा जो जंजाल उनके इल्जाम से खुला था वो बंद हो गया। तो लिहाजा यहां भी जो संजीदगी है इस सारे इशू की, और उन्होंने खुद अपनी जेनी हालत का भी हमारे सामने रख दिया है, ये इशू संजीदा जरूर है, लेकिन जब तक ये सबूत लेकर खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते, इनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये कह देना कि जी उन्होंने ये काम किया, तो फिर अपनी मीडिया की अदालत तो अदालत नहीं है ना। नहीं नहीं, बट खुरम साहब, ये भी तो एक इशू है ना कि उन्होंने इल्जाम चले लगा दिया, ये दुरुस्त आपने कहा, सब हर कोई कह रहा है कि सबूत आए, लेकिन मसला ये है कि यहाँ इल्जामात उन पर अब लग रहे हैं। कोई कहता है जी वो किसी के फ्रंटमैन हैं, कोई ये कह रहा है कि जी उनके फलाने के साथ ताल्लुकात हैं, उनको पैसे आए हैं, ये हो गया वो हो गया, बाकायदा तौर पर जी उनकी किरदार कुशी भी की जा रही है, बड़ी ज़ाती नौयत के इल्जामात भी उन पर लगाए जा रहे हैं, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पर किया गया। ये बात कि जी किसी का किसी की साहबजादी किस दौर में कहाँ मुलाजमत कर रही थी, किसी का घर किस जगह पर है, किसी का ताल्लुक रिश्तेदारी किसके साथ है, किसी के बेटे की शादी कहाँ पर हुई है, ये इल्जामात क्या उस तासुर को जाहिल कर सकते हैं जो कि आज उन्होंने क्रिएट किया? वो सच्चा है झूठा है मुझे नहीं पता, उन्होंने इल्जाम लगाया, मैंने नहीं सबूत देखे, लेकिन जो ये इस तरह का काम है ये भी कुछ दुरुस्त है? इल्जामात लगाने की जगह इसलिए बनी है मुख्तलिफ हवालों से क्योंकि इनको चाहिए था कि नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करते हैं आज का एनालिसिस जो मुनीफ फारूक साहब ने स्टार्ट में क्वेश्चन जो उनसे पूछा, खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे और अवैस साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और उनने उनसे पूछा ये गया कि देखें जो अब इल्ज़ाम की बौछार हुई है रिसेंटली, खासकर हम जिक्र करें तो जो कमिश्नर रावलपिंडी साहब की जानिब से कुछ इल्ज़ाम लगाए गए लियाकत चट्टा साहब की जानिब से, फिर उन्होंने अपना जो है रिज़ाइन का भी उन्होंने ऑफर की कि मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ, और इल्ज़ाम जो हैं बहुत से लोगों के ऊपर उन्होंने लगाए हैं, अपने जो नीचे उनके काम कर रहे थे आर ओ डी आर ओज
उनके ऊपर भी उन्होंने कहा वो काम करने पे रजामंद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो काम किया और उन्होंने ये भी दावा किया था कि आप भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं, नकली जो है हिसाब किताब। बहरहाल ये उनके इल्ज़ाम हैं, अब इसकी तहकीक होगी और उनको बुलाया जाएगा। जैसे कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पर इजलास हुआ है और इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि अब जो रावलपिंडी डिवीज़न है उसके तमाम आरओज और डीआरओज उनको बाकायदा तौर पर बुलाया जाएगा, उनके बयानात कलम बंद किए जाएंगे और उसके बाद फिर जो चाहे वो नेशनल असम्बली की सीट्स के हवाले से है, और क्योंकि वहाँ पर ओवरऑल बात जो हुई है वो रावलपिंडी डिवीज़न की बात हुई है तो उसमें एमपीएस की भी और नेशनल असम्बली की भी दोनों ही सीटें जो है मतनाज़ा हो चुकी हैं, इसीलिए अब फैसला यही हुआ है कि तमाम के बयानात कलम बंद किए जाएंगे, फिर उसके बाद फिर कमिश्नर पिंडी साहब जो हैं उनको भी तलब किया जाएगा, फिर उनके भी बयानात कलम बंद होंगे और अगर वो सबूत पेश कर सके कि वाकई ऐसा हुआ है तो उसकी, क्योंकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी हुई है इसी इंतखाबात के हवाले से दिल्ली में, और अवैस साहब जो मौजूद हैं उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की है और इल्तिजा की है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि क्योंकि इल्ज़ामात जिस जिस शख्सियत पर लगे हैं तो ऐसे ही तरीके इंसाफ के जो रहनमा हैं बैरिस्टर गोहर साहब उन्होंने भी मुतालबा किया, गोहर अयूब साहब ने भी मुतालबा किया कि वो अपने आप को उस साइड पर कर लें और एक आज़ाद एक बेंच जो है तश्कील दें। बट ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है और इल्ज़ामात जो भी लगते हैं फिर प्रूफ भी जो है बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके ज़िम्मे होता है जो इल्ज़ामात तक आता है, तो आप देखते हैं क्या लियाकत अली जट्ठा साहब जो हैं वो जो अपना इल्ज़ामात के बाद प्रूफ उनके पास मौजूद है इस बात का, और जो अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है उनका यही कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पर, तो उनसे मुतालबा ये है तहरीक इंसाफ का कि फॉर्म 45 के जो भी नतज हैं उसके अकॉर्डिंग जो जो भी कैंडिडेट चाहे वो थी पीटीआई का जीता है या पीपीपी का जीता है या जेयूआईएफ का जीता हो या जमात इस्लामी का, तो उसको फातह करार दिया जाए। और क्योंकि अब दोबारा जो है इलेक्शन का मुतहम्मल हमारा मुल्क नहीं हो सकता, बहुत ही एक्सपेंसेस भी होते हैं और साथ में सिक्योरिटी के भी काफ़ी खदशात होते हैं जिसके ऊपर हमारे मुसल्ह अफवाज ने बड़े ही बेहतरीन इंतजाम किए और अहसन तरीके से इलेक्शन को अख्ताम पजीर करवाया। और इलेक्शंस जैसे भी हों बहुत से साफियों की नज़र में ये बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्शन रहा और कुछ हमारे जो साफ़ी हैं उनके नज़र में 18 की इलेक्शन से ज़्यादा इस दफ़ा रिगिंग के कुछ शवाहिद उनको ऐसे महसूस होता है कि उनके एतबार से रिगिंग हुई है। इस दफ़ा कुछ नया अंदाज़ सामने ज़रूर आया, इसमें यह है कि हारने वाला भी और जीतने वाला भी दोनों ही अनसेटिस्फाइड दिखाई देते हैं और तहकीकात का मुतालबा भी करते हुए दिखाई देते हैं। मखलूत हुकूमत जो है अब ये कह सकते हैं कि अब PDM 2 बनने जा रही है, अब देखते हैं कि अब PDM 2 जो है वो तमाम तर जो मामलात हैं वो ठीक कर पाएगी, ख़ासतौर पर अब जिक्र करें तो महंगाई का बहुत अरूज पर मामला जा चुका है, क्या उसको कंट्रोल कर पाएगी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।